इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से एक जुड़ी खबर है। ये संत रविदास जयंती को देखते हुए पंजाब ने चुनाव आयोग से निवेदन किया था कि चुनाव की तारीख बढ़ा दी जाए और चुनाव आयोग ने यह मांग मान ली है। चुनाव आयोग ने 14 फरवरी को होने वाले पंजाब के चुनाव की तारीख बढ़ाकर अब 20 फरवरी कर दिया है। 16 फरवरी को संत रविदास जयंती है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद पहले कांग्रेस, फिर भारतीय जनता पार्टी और फिर अन्य दलों ने चुनाव आयोग से यह मांग की थी कि तारीख आगे बढ़ा दी जाए। राजनीतिक दलों का कहना यह था कि संत रविदास जयंती के लिए बड़ी संख्या में लोग वाराणसी जाते हैं, काशी जाते हैं। राज्य में रविदसिया और रामदासी सिखों सहित अनुसूचित जाति लगभग 32% से अधिक उनकी संख्या है और इनको नजर में रखते हुए, क्योंकि ये वापस आएंगे 16 तारीख के आसपास, मेरी सहयोगी कमलजीत कौर संधू हमारे साथ जुड़ रही है ज्यादा जानकारी के साथ। कमल, लगभग सभी राजनीतिक दल, क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, सभी राजनीतिक दल एकमत थे कि संत रविदास जयंती के लिए 10 से करीब 16 फरवरी तक जो उनके मानने वाले हैं वो काशी में होंगे, नहीं दे पाएंगे वोट, इसीलिए चुनाव की तारीख टाली जाए। देखिए, राजनीतिक पार्टीज में जितना भी मतभेद हो, जब चुनाव आते हैं ये तो एक चीज साफ है कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, और शायद इसी वजह से हमने देखा है तकरीबन सभी पार्टियां हैं उन्होंने एक अपील की थी इलेक्शन कमीशन को कि ये जो तारीख है वो बढ़ा दी जाए, और अब ये तारीख 14 फरवरी से अब हो गई है 20 तारीख, यानी तीसरे चरण के चुनाव में, जब उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव चल रहे होंगे उस समय पंजाब में भी पोलिंग होगी। लेकिन जहां पे काउंटिंग की बात आती है तो वो तारीख बदली नहीं गई है, वो 10 ही तारीख है, 10 मार्च को काउंटिंग होगा। लेकिन इसका अगर हम बात करें, जैसे आप बता रहे थे, अगर आंकलन किया जाए तो अगर हम बात करें दलित समुदाय है, जो सिख से हैं, जो मानने वाले हैं, वो अगर जाते हैं बनारस, और ऐसा अगर होता है तो चुनाव जो जो लोग अपना मतदान एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जो वोटिंग करना चाहते हैं, वो उस वक्त कहीं ना कहीं एक तरफ बढ़ रहे होंगे और इसका नुकसान पार्टीज को हो सकता है। और इस वजह से सबसे पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ये चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी है, फिर कैप्टन अमरिंदर की पार्टी पीएलसी है, और लगातार हम देख रहे थे कि इस तरह की बात आ रही है और सब लोग एक मत हैं इसको लेके कि हाँ, ये जो तिथि है वो बढ़ा दी नहीं चाहिए, और ऐसा हो भी गया है, और शायद अब देखना होगा कि फायदा असली किसका होगा, क्योंकि ये एक तरह की अपील भी थी। उन्होंने कहा था कि जितने डेरा वाले हैं, जितने लोग हैं, उन्होंने लिखित में भी अपील की है और कहा है कि वो मतदान नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से अब ये होगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस रेस में भी आगे कौन बढ़ पाया है और कौन दिखाता है। कमल, रहिए मेरे साथ, संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक संत रविदास जयंती और दूसरा कोरोना का जो खतरा भी लगातार बढ़ रहा है, एक हफ्ता जो टल रही है चुनाव की तारीखें, चुनाव आयोग इसे किस तरह से देख रहा है? चुनाव आयोग को तो साफ साफ कहना था कोरोना को तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन गुरु रविदास जयंती को लेकर जिस तरह की तथ्य दिए जा रहे थे सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, उसे देखते हुए निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया कि एक हफ्ता मतदान टाल दिए जाएं। और यही वजह है कि 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती होने से ये कहा गया कि बड़ी तादाद में पंजाब से गुरु रविदास के फॉलोवर सिख काशी जाते हैं और वहां उनकी जन्मस्थली पर वो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और इसके साथ ही वहां पर उनका जाना एक रिचुअल है। 32% से ज्यादा आबादी ऐसे लोगों की है, वोटर्स में से 32% दलित समुदाय से संपर्क रखते हैं और वो लोग गुरु रविदास जी के फॉलोअर हैं। तो ऐसे में अगर 20% लोग भी अगर तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं तो चुनाव पर बहुत असर पड़ेगा, और यही वजह है कि निर्वाचन आयोग ने यह फैसला किया। पहले तो मीटिंग में ये तय होता रहा कि 20 को किया जाए या 23 को, लेकिन फिर ये तय किया कि जो सुरक्षा बलों की मूवमेंट है उसे देखते हुए 20 फरवरी मुफीद रहेगी और इसी को तय किया जाए।